ओम नमः शिवाय। गुड वाइब सीईओ सेशंस के 19 एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है दोस्तों, मन और मस्तिष्क योग अभ्यास। जो आपका न्यूरोबिक्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे कि मेनली न्यूरोबिक्स क्या क्या हैं, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या न्यूरोबिक्स चल रही हैं, जिनसे आप जो है अपने माइंड का जो है रिलैक्स कर सकते हैं, उसका जो है आप अपने हारमोन्स ठीक कर सकते हैं, आप जो है छोटी मोटी एक्सरसाइज से आप बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने थिंकिंग में, अपने सोच में, अपनी मानसिकता में, अपने विचार में। साथ ही साथ जो आपके विचार बदल जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है जो आपका ऑरा होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। जैसा आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही आपका ऑरा करता है, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं और जल्दी से जल्दी आपको मनचाही वस्तु आपको मिल जाती है। दोस्तों पहला अभ्यास हम करेंगे, इसमें अभ्यास है डॉक्टर एंड्रयू व्हील ने बताया था, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं ये। उन्होंने प्राणायाम को मॉडिफाइड तरीके से 4-7-8 की फॉर्मेशन में बताया था। 4 सेकेंड्स दोस्तों आपको एम्प्टी रहना है, न सांस अंदर न सांस बाहर। उसके बाद 7 सेकेंड के साथ सांस को अंदर लीजिए और 8 सेकेंड के साथ सांस को बाहर छोड़िए और 4 सेकेंड फिर बिना सांस के आपको रुकना है। दोस्तों ये अभ्यास आप 3 मिनट से लेके 10 मिनट 20 मिनट तक जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मिनिमम 3 मिनट तो आप जरूर करिए, इससे आपका ब्रेन पावर बहुत बूस्ट होता है। सेकंड दोस्तों होता है पावर पोज। इसमें आप अपने चारों उंगलियां और अंगूठे को दूसरे हाथ के चारों उंगलियां और अंगूठे से मिला के आप रखते हैं और आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऐसा करते हुए देखा होगा। इससे क्या होता है, इससे मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूरॉन्स, उनका न्यूरॉन्स से कनेक्शन बढ़ता है। और इसके साथ ही आप एक और, अगर इसे बैठ के नहीं करना चाहते तो आप स्टैंडिंग होके नमस्कार की फॉर्म में अपने हृदय पे रखें और उसको आप प्रेस कर सकते हैं अपने पांचों पॉइंट को, अपने दूसरे हाथ के पांचों पॉइंट से आप दबा सकते हैं और हल्के हल्के प्रेस करिए, तो ये आपका ओवरऑल आपका जो है हेल्थ इम्प्रूव करेगा, सभी ऑर्गन्स का, सभी ब्रेन्स का, हार्ट का। ज़रूर ट्राई करिए, इसे पावर पोज बोलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी होती है, इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पीछे होती है गणपति में, आपके सर के नीचे गर्दन के ऊपर। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने एक थंब को अपने दूसरे हाथ के थंब और फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर के साथ सामने और पीछे से पकड़ के 20 बार दबाएंगे और फिर दोनों साइड से पकड़ के आप 10 बार दबाएंगे। ऐसा आप 3-4 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं, ये आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे 3 से 4 दिन में आपको। और पहले आप जो है एक उसमें करिए, एक थंब पे करिए, फिर दूसरा हैंड शिफ्ट करिए और दूसरे थंब पे करिए दूसरे हाथ के साथ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज दोस्तों ब्लाइंड गेम। इसमें आप जो है अपनी डेली की वस्तुएं जो हैं वो आप ट्राई करिए, जैसे एक या दो टास्क डेली के जो आप रूटीन है और बिन देखे कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसे बिन देखे ही करिए, आँख बंद कर लीजिए और थोड़ा सा आप ट्राई करिए कि आप कर पाते हैं या नहीं। इससे आपके जो है एमिगडाला होता है वो इम्प्रूव होता है और ब्रेन सेंसरी मोटर जो कंट्रोल करता है एमिगडाला वो ठीक होता है और इससे हायर कॉन्शियसनेस भी आपकी आती है, जो आपके सेंसेस हैं छुपे हुए वो भी आपके जागृत होते हैं। है दोस्तों ड्रॉ अ मैप ऑफ योर सराउंडिंग। इससे आपका इम्प्रूव मेमोरी होती है और कॉग्निटिव फंक्शन आपका जो है इम्प्रूव होता है, मतलब एबिलिटी जो होती है, अलग अलग क्षमताएँ जो होती हैं ब्रेन की वो सब इंक्रीज होती हैं। इसके लिए आप जो आपके आसपास है या आपके घूमने गए हैं तो आप ड्रॉ करिए एक पेपर में और पेंसिल लेके वहाँ का मैप, आप रस्ते में देखिए कहाँ कहाँ से गए थे, ड्रॉ करिए, ट्राई करिए 5-10 मिनट इसमें एक्सरसाइज करिए, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कर सकते हैं इसे। छठी एक्सरसाइज दोस्तों इजी मैथ प्रैक्टिस। यहाँ पे आप सिंपल एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं और किसी भी वर्ड के साथ जो आपको नंबर दिखाई देते हैं किसी भी नंबर के साथ या वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करके आप गेम खेल सकते हैं। और मैथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अपने ब्रेन को ठीक रखने के लिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है गेस्चर। होल्ड योर थंब फ्रंट एंड प्रेस विद ऑल फिंगर्स वन बाय वन। अपने एक थंब को रखिए और आप आगे पीछे से एक तरफ थंब लगाइए और एक तरफ पहली फिंगर, फिर दूसरी फिंगर, तीसरी, चौथी फिंगर, ऐसे करिए। फिर यही काम आप दूसरे हाथ पे करिए, दूसरे हाथ के थंब लीजिए और फर्स्ट हैंड से दबाइए सारे फिंगर्स को।
इसे बहुत ही अच्छा प्रिफर पड़ेगा और ओवरऑल ऑर्गन्स और आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी। एक एक्सरसाइज दोस्तों, ये आप एज ए गेम भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, चेंज योर हैंड। इसमें आपको टेबल पे आपको एक हैंड तो आपको बंद कर देना है, ऐसे पंच मारते हैं, और एक आपको सीधे रखना है जैसे स्लैप मारते हैं। तो सीधे हाथ को आपको उल्टा रखना है, स्लैप वाले को, पंच वाले को भी आपको उल्टा रखना है। और लेकिन आपको एक बार हिट करने के बाद जब दोबारा वापस ले जाएंगे आप पंच वाले हाथ को, तो आपको जो ये वाला हाथ है दूसरे वाला, उसे आप पंच बनाना है और पहले वाले को स्लैप बनाना है। ऐसे ही आप जब करेंगे कम से कम 10 बार या 20 बार आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बहुत होता है। तो आपको जो है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा आपकी जो है ब्रेन पावर बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप बिल्कुल एक एक्सरसाइज की तरह या एक गेम समझ के आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बदलाव तुरंत दिखाई देगा, इसमें 3-4 दिन भी नहीं लेंगे। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, चेंज योर हैंड। और आपका 9th एक्सरसाइज है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर। इसमें दोस्तों हम एक स्क्वायर बनाते हैं, आप 4x4 का, उसमें 1 से लेकर 16 तक, 5x5 का, 1 से 25 तक, 6x6 का, 1 से 36 तक। उसमें आपको रैंडम नंबर लिखने पड़ते हैं, रैंडम नंबर आप लिखेंगे और फिर आप देखिए, आप कोई भी नंबर एक चूज़ कर लीजिए सेंटर में कहीं पे कोने में, और उस नंबर से लेके लास्ट नंबर तक आपको जाना है विद इन, आप अपनी इमोनेशन खुद कर लीजिए, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड जाना है आपको, फिर उस नंबर से लौट के आपको 1 तक जाना है, किसी भी एक नंबर जिस पर आपकी निगाह पड़ेगी, और उसी चार्ट के अंदर घूमते घूमते आपको ये काम करना है। ये सपोज मैंने 20 देखा, फिर मुझे 21 देखना है, ढूंढना है, फिर 22, 23, 36 तक ये 20 सेकेंड के अंदर कर लेना है सपोज। तो ट्राई करिए, 30 सेकेंड कर सकते हैं 20 की जगह, 1 मिनट भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेन पावर वीक है आप और ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम कम करिए और आप इम्प्रूव होंगे, आई एम श्योर। ऑल द बेस्ट। 10वां जो है एक्सरसाइज है स्लो एजिंग प्रोसेस। ये आपका जो है उम्र को भी घटाती है, उम्र को रोक देती है, जो आपकी त्वचा उचा या बालों की जो दशा है उनको ठीक करती है, और साथ में ओवरऑल हेल्थ जो हार्ट है आपका उसको भी ठीक करती है। इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, अखरोट लेंगे, वॉलनट्स, लेफ्ट हैंड सेंटर पे रखेंगे और फिर राइट हैंड से उसको स्क्वीज करेंगे, राइट हैंड के सेंटर से उसको दबाएंगे, ऐसे ही फिर राइट हैंड पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से दबाएंगे, 20 से 30 टाइम आप करिए दोनों हैंड से 20-20, तो आपको काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। 11वें एक्सरसाइज दोस्तों कलर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक कई सारे कलर्स लेते हैं या पेन ले लेंगे कलर के, और उनको जो है अलग अलग उससे लिखना है। जैसे मान लो ग्रीन मैंने कलर यूज़ किया, तो ग्रीन कलर से मैं ब्लैक लिखूँगा, रेड कलर से मैं ग्रीन लिखूँगा, और येलो कलर से मैं कुछ और लिखूँगा। तो इससे क्या होगा, जब मुझे जो दिख रहा है मुझे वो बोलना है। एक्सरसाइज शुरू तब होगी जब पहले लिख लीजिए आप सब, उसके बाद जो लिखा है वो मुझे बोलना है, और मतलब जो कलर है वो मुझे बताना है, जो लिखा है वो नहीं बताना। जैसे मान लो ब्लैक लिखा है लेकिन वो ब्लू से लिखा है, मुझे ब्लू बोलना है, ब्लैक नहीं बोलना। ये सारे करने हैं मुझे, 7, 8, 9, 10 जितने कलर आपके पास हो आप कर सकते हैं, और फिर आप डेली इसको करिए और डेली इसको देखिए। एक बार आपको चार्ट बनेगा, लेकिन डेली आप करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रेन पावर इंक्रीज होगी, बूस्ट होगा ब्रेन। फिर आपका आता है ब्रीथिंग, हेल्दी ब्रीथिंग। इसमें 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट शॉर्ट में। पहला होता है डबल ब्रीथिंग मेथड, इसमें 3-3 सेकेंड या 6-6 सेकेंड की आप ब्रीथिंग लीजिए, डबल ब्रीथिंग इस टाइप से, और फिर इसको ऐसे ही आपको छोड़ना है, ऐसे ही 6-6 सेकेंड में कर सकते हैं। थ्री सेकेंड टोटल 6 सेकेंड हो गया। तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं कैसे भी आप ट्राई कर लिए, 2-2 सेकेंड, 3-3 सेकेंड, 4-4 सेकेंड, जो आपको अच्छा लगे डबल ब्रीथिंग। एक आता है कपालू प्राणायाम दोस्तों। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सीधे आपका बैठ जाते हैं और फिर जो है आप जो है
सांस लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर वो पेट में जाती है, कमर सीधी रखिए, सांस लेंगे आप पेट में जाएगी, और लेंगे आप थोड़ी चेस्ट में आएगी, और लेंगे जब आपको महसूस ना हो कि सांस आपके ऊपर तक जा चुकी है, शरीर के ऊपरी हिस्से तक, सर तक जा आपके महसूस होगी, कंपन महसूस होगा कि जा चुका है, तब आप उसे रिलीज़ करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, पूरा खाली कर देंगे बिल्कुल पेट तक। यही आप जो है 5 बार स्टार्टिंग में, बाद में 10 बार, 20 बार आप कर सकते हैं, और ऐसा ये आपका आमूलचूल परिवर्तन कर देगा आपके पूरे शरीर में कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा कृपालु प्राणायाम है। और लास्ट है हमारा बट नॉट लीस्ट और बेस्ट, वाटर मैनिफेस्टेशन। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक गिलास में लेके आपको पानी भर लेना है पूरे गिलास, और आप ट्राई करेंगे 17 सेकेंड में आपको पानी को पीना है, चाहे वो रोक के पियो चाहे देख के पियो, और एक ही फीलिंग के साथ, एक ही स्ट्रांग पॉजिटिव फीलिंग आप गाइड करेंगे, और 17 सेकेंड में आप या 18 सेकेंड में आप, 17 से ऊपर सेकेंड में आप वो रखेंगे और आप उसे फिनिश करेंगे पूरे गिलास को। ये दोस्तों आप दिन में 4 बार करना चाहिए, 4 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। आप जो चाहते हैं वो फीलिंग में आप सोचेंगे, वो आपको तुरंत, आपको बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, उसके सुझाव मिलेंगे, कैसे मिलेगा वो सब आपको मिलेगा, ब्रह्मांड आपको खुद रास्ता दिखाएगा। दोस्तों आज का न्यूरोबिक सेशन हमारा यही समाप्त होता है। टॉप 13 एक्सरसाइज हमने आपको बताई हैं, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको मान्यता प्राप्त है, सब लोग यूज़ करते हैं, आर्मी पर्सन, डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। और दोस्तों ऐसी तरह आप ब्रेन को स्टोर्म कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं अच्छे से, और अपनी ज़िंदगी और सुखमय बना सकते हैं। जो चाहिए आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे पा सकते हैं, कमा सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? दोस्तों आज का कोशिश करी मैंने सेशन की छोटा बनाने की, और मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस भी आ रही हो आपको। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के साथ, और आपको और स्ट्रांग बनाएंगे एक नए एपिसोड में जल्दी, एक बहुत रोचक टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों, आई एम योर गुड वाइब CEO। जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्पॉटिफाई पे, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों गुड वाइब CEO। जल्दी मिलते हैं फिर। I am your good vibe CEO, signing off. Om Namah Shivaya.